नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। 3 मई 1999 का दिन, जिस दिन पाकिस्तान के कुछ फौजियों ने, पाकिस्तान की मिलिटेंट्स ने कारगिल की चोटी पर कब्जा किया और जब हमारे देश को पता चला तो हमारे देश के वीर सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया। लगभग 85 दिन चले इस युद्ध में आखिरकार हमने 26 जुलाई 1999 को जीत हासिल की और कारगिल 26 जुलाई जो है कारगिल के विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज मैं कुछ रिटायर्ड फौजियों से बात करता हूं कि वो दिन कैसे थे, कारगिल के युद्ध के दिन कैसे थे और क्या जज्बा था उन लोगों के मन में या आम भारतीय के मन में क्या जज्बा था। तो आइए बात करते हैं कारगिल से जुड़े हुए फौजी जवान जो ना सिर्फ थल सेना में थे बल्कि वायु सेना और जल सेना में भी तैनात थे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उस समय के दौरान उनके मन में किस तरह के बलबले उठ रहे थे। मैं 1968 अक्टूबर में कोर्ट हाउस सिग्नल में ज्वाइन किया था। फर्स्ट ट्रेनिंग जी हमारी जबलपुर गोवा में हुई थी, मरगांव में। उस तो बाद साड़ी मेरी पूरी इंडिया में लग जगह जगह पर पोस्टिंग रही है। 1985 में एज ए हवलदार रिटायर हुआ, प्रीमैच्योर। इस टाइम मैं मोहाली खरड़ में रहता हूँ। सर, कारगिल युद्ध जो हुआ वो हमने 26 जुलाई 1999 को जीत लिया जी, और डिक्लेयर हो गया कि हम लोग विजय प्राप्त कर लिए हमने जी। तो सर, उस दौर को आपने कैसे देखा है? वो दौर जोड़ा एकदम होया ना, वो तो चरवाहे ने जड़े से चरवाहे से मजा जा रहे, भेड़ा जा रहे, उन्होंने साडे आर्मी की जी पेट्रोलिंग सी उन्होंने इनफॉर्म कर दिता सगा, ते तर करके थोड़ा इन्होंने पहले तैयारी कर ली। जे एकदम अटैक कर दे ते अपना बहुत नुकसान, फिर भी साडे जवान बहुत बहादुरी दे नाल साडे के उहदे विच शहीद होया, कैप्टन बत्ता साहब, कैप्टन कालिया साहब, जिन्हां दी बेमिसाल है बहादुरी, कैप्टन जादव साहब, मेरे सारे का लड़का जो उसकी उम्र उस टाइम 19 साल सी, 1.5 साल नौकरी सी, वो 99 च कारगिल दे विच शहीद होया, छम जोड़ियां में हो गया था। घर गए, घर से छुट्टी गए, कट के गए, अजे एक हफ्ता नहीं हुआ था जब उसकी डेड बॉडी हो गई सी। यह उस टाइम बहुत माड़ा हालात है, लेकिन साड़ी जी फौज सी वह बहुत बहादुरी दे नाल बहुत ही वधिया, ते साड़ी फौज नूं सिविल का भी बहुत सहयोग मिलिया, आर्मी का भी सहयोग मिलिया। फिर भी जी 85 दिन चली जंग दे विच साडे हिंदुस्तान आर्मी ने उहदे विच विजय पाई।